सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड से सीसीएल और पुलिस ने दो ट्रक और एक लोडर को किया जब्त। बालूमाथ थाना अंतर्गत संचालित मगध कोल माइंस में शनिवार को दोपहर में दो 12 चक्का ट्रक और एक पीलोडर को पकड़ा गया। वहीं बालूमाथ थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बालूमाथ पुलिस और सीसीएल के पदाधिकारियों को मिली सूचना पर दो ट्रक और एक लोडर को चमातू कोल माइंस से पकड़ा गया है। पकड़ी गई ट्रक और लोडर को अमरवादी पुलिस पिकेट में रखा गया है। उक्त गाड़ियों के दोनों ट्रक और पीलोडर JH-19B-2577 JHO-1BA-9784 पीलोडर BR-02JB-9140 के मालिक और ड्राइवर पर जांच कर केस कर दिया गया है, जिसका कांड संख्या 50/21 है। ज्ञात हो कि बालूमाथ प्रखंड में लगातार अवैध कोयला को लेकर बात आई और कुछ दिन पूर्व भी लातेहार DMO आनंद कुमार ने बालूमाथ और हेरंग प्रखंड में छापेमारी कर अवैध खनन पर लगाई लगाम। बालूमाथ से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।